के घोसी विधानसभा क्षेत्र में भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय प्रत्याशी रामबलि यादव का समर्थन करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। तो चुनाव का नजारा बहुत अद्भुत है। इस बार चुनाव पार्टियां नहीं लड़ रही है, गठबंधन सिर्फ नहीं लड़ रहा है, जनता लड़ रही है। क्योंकि जनता को ये लग गया कि ये चुनाव को चुराने की साजिश चल रही थी। कोरोना काल में, महामारी की आर में, लॉकडाउन की आर में जिस सरकार ने कुछ काम नहीं किया और लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा पीड़ा बिहार के लोगों को पहुंची और वहां बिहार को पीड़ा पहुंचाने वाले आज सत्ता फिर से हड़पना चाहते थे। जनता इस बात को समझ गई और इसीलिए जो गठबंधन बना, भारी स्वागत है लोगों में। जहानाबाद के घोसी विधानसभा क्षेत्र में नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम जो भी वादा जनता से करते हैं उसे जरूर पूरा करते हैं। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने पूर्णिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शाहनवाज हुसैन नीतीश कुमार के कामों को गिनवाया तो वहीं सुशील मोदी ने विपक्ष पर गुमराह करने वाली राजनीति करने का आरोप लगाया। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जी जान से तैयारियों में जुट चुकी है। इसी कड़ी में पूर्णिया में कांग्रेस के प्रत्याशी इंदु सिन्हा ने पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि यहां तीसरे चरण में वोटिंग होनी है। मुद्दा पूर्णिया का विकास, महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, ये सब हमारी मुद्दा है। और जो मार्केटिंग यार्ड का स्थिति बनी हुई नरकीय स्थिति है, सबसे पहले उसका मैं काम करूँगी। जो हमारे व्यापारी लोग वहाँ रहते हैं और यहाँ से सबसे ज़्यादा गुलाबबाग मंडी से रेवेन्यू जाता है सरकार को, लेकिन सरकार एक रुपया खर्च नहीं करती है। इसीलिए मेरा मुद्दा है पूर्णिया विकास। दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी मदन साहनी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं जाले विधानसभा क्षेत्र से मस्कूर रहमानी ने कांग्रेस की ओर से नामांकन दाखिल किया। वहीं केवटी विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी सिद्दीकी ने नामांकन किया।